आपके साथ मैं हूँ शिल्पा। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में कुल 2,60,00,000 मतदाता 839 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वोटिंग के लिए 26,823 पोलिंग बूथ्स बनाए गए। पहले चरण में एसपी कांग्रेस गठबंधन, बीजेपी, बीएसपी और आरएलडी के बीच कड़ा मुकाबला है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। 826 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 8,011 सब इंस्पेक्टर, 4,823 हेड कांस्टेबल और 60,289 सिपाही सुरक्षा में तैनात किए गए। 2,267 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 285 जोनल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए। हेलीकॉप्टर और ड्रोन कैमरों से नजर रखी जा रही है। संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। तो 15 जिलों की 73 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है। पश्चिमी यूपी की 73 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग चलेगी। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच लोग यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। तो काफी यंग वोटर्स भी हैं इस बार, महिलाएं भी बड़ी तादाद में पहुंच रही हैं। और आप सबसे भी जी बिजनेस ये अपील करता है कि अपने घरों से बाहर निकलिए, अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए। आज आपका दिन है। और मथुरा से श्रीकांत शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की जब वो वोट डालने पहुंचे थे। और सरदना सीट से संगीत सोम ने भी, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी वोट डाला। तो सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है ये चरण। और आपको बता दें कि पहले चरण में जाट वोटर भी कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका जरूर रख रहे हैं। हर पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है चुनाव प्रचार के दौरान। देखिए, लोकतंत्र का पर्व है और उत्सव की तरह लोकतंत्र में चुनाव को लोग मानते हैं। परिवर्तन है, बदलाव का ये चुनाव है और ये बीजेपी का नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव है। जनता बदलाव चाहती है, लोग सुशासन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अपराध, भ्रष्टाचार और जो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले हैं, भू माफिया, खनन माफिया, लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। तो पहले चरण के मतदान के साथ यूपी में चुनावों का आगाज हो गया है और आज कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और सभी पार्टियों के उम्मीदवारों के लिए ये जो चुनाव है किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। और उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, उनके लिए भी कड़ी चुनौती है। अब देखना यह है गठबंधन कितना रास आता है। और उसके बाद बीजेपी भी अपनी किस्मत आजमा रही है नोटबंदी के बाद इन चुनावों में। और अगर बसपा की बात की जाए तो बसपा ने भी पूरा दमखम लगा दिया है इन चुनावों में। तो हर राजनीतिक दल, हर पार्टी अपने चुनावी वादों के साथ इस चुनावी रणभूमि में उतरी है। हमारे पास बहुत ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हताश लोग अगर इस तरीके की बात करते हैं तो वो सब विफल तो होगा। लोगों ने कहा भी किस तरह की, जहां तक आप बीजेपी को काफी मजबूत मानती है? बीजेपी मजबूत है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। नहीं, पूर्ण बहुमत से आ रही है, चुनावी विजुअल बच चुका है और मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, वो तो पार्टी अपने हिसाब से बताएंगी क्या करना है क्या नहीं। लेकिन बीजेपी तो खुद में ही एक सक्षम पार्टी है। कमल का फूल हमारे लिए हमेशा, हम जानते हैं कि कमल का फूल क्या जगह रखता है और वो हमेशा खिला है और खिलेगा। इस बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है, बहुत बढ़िया वोटों से बीजेपी आ रही है। और संगीत सोम जी तो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे लगता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत करेंगे।
इसमें सुना गया है कि रात निगम जी के किसी कार्यालय पर हमला हुआ है। हाँ वो हुआ था, वो मैनेज हो गया। एक्चुअल में वही दूसरी पार्टी के को ये लगता है कि ये जीत रहे हैं या कुछ भी है, अब मैं इस बारे में वो नहीं टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन हम खुद में सक्षम है, हमें किसी के लड़ाई झगड़े से या किसी से फर्क नहीं पड़ता, ना वे दंगा करना चाहते ना करवाना चाहते, उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था, इसीलिए उन्होंने रात पुलिस प्रशासन को फोन भी किया, मीडिया को भी किया, सबको किया कि आप आके देख लीजिए, कोई ऐसी बात ना खराब हो, चुनाव खराब नहीं होना चाहिए, उनका ध्यान इसी में ही था। किस पार्टी से थे? मेरे ख्याल से शायद समाजवादी से थे, समाजवादी से। देश का विकास हो सके और महिला के लिए सुरक्षा मिले, और मैंने ये सोचकर वोट दिया है कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। आखिर मैं तो खैर नेतृत्व ही चाहती हूँ, उस नेतृत्व को देखकर मैंने वोट डाला है। मैंने कुछ चुनिंदे मुद्दों को लेकर मतदान किया। सबसे पहले महिला सुरक्षा होनी चाहिए, बेहतर कानून व्यवस्था होनी चाहिए, और सबसे जरूरी युवाओं के लिए नए नए रोजगार के अवसर आने चाहिए। तो चलिए, युवा वोटर्स की बातचीत भी आपने सुनी, काफी उत्साह है उनमें, और उनका यही कहना है कि परिवर्तन चाहिए और साथ ही साथ विकास उन्हें पूरे देश का चाहिए। हेलो संगी सुम्हा,